के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से किसानों के फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में किए गए ऐतिहासिक वृद्धि, विपक्षियों ने लिया आड़े हाथ, राजनीतिक दलों में मची हड़कंप। जल निकासी में बाधा बन रहे पॉलीथीन पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, डीएम ने कहा नालों पर अवैध कब्जा होगा ध्वस्त। मुख्य सचिव से वार्ता के बाद रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने स्थगित किया 5 जुलाई को होने वाले चक्का जाम का कार्यक्रम। शासन द्वारा लेखपालों के हड़ताल पर 6 माह के प्रतिबंध तथा एस्मा लगाने के निर्देश के बाद भी लेखपालों का धरना रह जारी, तहसील अध्यक्ष ने कहा सरकार की दमनकारी नीति से नहीं डरने वाले हैं लेखपाल। राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्रवास सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई महिला जनसुनवाई, सुलह समझौते से 8 मामलों का किया गया निस्तारण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मध्याह्न भोजन योजना के जिला टास्क फोर्स की बैठक, कहा मध्याह्न भोजन में लापरवाही पर होगा प्रधानाचार्य और प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही। अंतर जनपदीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता के तीसरे दिन मर्डर केस के जांच की हुई डेमो, डिप्टी डायरेक्टर ने कहा पुलिस की जांच में फोटोग्राफी का विशेष है महत्व। नए सत्र में छात्रवृत्ति वितरण और आवेदन व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग की एक कार्यशाला एमजे इंटर कॉलेज के सभागार में हुई आयोजित, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अंडरग्राउंड केबल सुचारू रूप से हो रहा है संचालित, अब तक नहीं मिली है फॉल्ट की सूचना, लो वोल्टेज की समस्या भी जल्द होगी दूर। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के दरों में हुई वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों ने नगर निगम परिसर में दिया धरना। नगर निगम की लापरवाही से गिरी पुलिस लाइन की बाउंड्री, वहां रहने वाले पुलिस खुद को महसूस कर रहे हैं असुरक्षित। एनएसयूआई के सदस्यों ने मनाई स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि, दोहराया विवेकानंद के मार्ग पर चलने के संकल्प को। जनपद में जल्द खुलेगी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, स्टैंडर्ड कंपनी की जेनेरिक दवाइयां 8 से 10 गुना मिलेंगी सस्ती। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। 15 सूत्रीय मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किया एक दिवसीय प्रदर्शन। और प्रेरक संघ का निश्चितकालीन धरना 17वें दिन भी रहा जारी।